उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। आज प्रदेश में कोरोना का 5,606 नया मामला सामने आया, जैके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 131,144 होगी, जबकि यहां से मरीजों की संख्या 2,802। प्रदेश में लगातार बढ़ता कोरोना का मामलों से देखिए आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यवासियों को 9 संदेश जारी करी, जहां उन प्रदेशवासियों से अफवाहों से बचने अपील करी। दगड़ में ही उन राज्य और केंद्र सरकार का प्रयासों की जानकारी भी दी। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस लगातार काम करनी चाहिए। आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से सभी पुलिस यूनिटों से कड़ा निर्देश जारी करें, जहां उन कोरोना गाइडलाइनों सख्ती से पालन, कर्फ्यू में सख्त कार्रवाई करना निर्देश देनी। उन गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र का IG सहित सभी जिलों का SP SSP थे ऑक्सीजन इंजेक्शन और दवाइयों की कालाबाजारी कन्वोलों पर सख्त कार्रवाई करना आदेश भी देनी। उत्तराखंड पुलिस मरीजों का इलाज थे अब प्लाज्मा बैंक बढ़ाने वाली थी। यहाँ में कोरोना से ठीक हुआ पुलिस कर्मी प्लाज्मा दान करला। उत्तराखंड पुलिस हर जिला और बटालियनों में प्लाज्मा बैंक बना ली, जैका बाद ये प्लाज्मा को इस्तेमाल कोरोना मरीजों का इलाज में किए जालू। आज आयुष मंत्री हरक सिंह रावतन वीरचंद्र सिंह मेडिकल कॉलेजों दौरा करी, ये दौरान उन अस्पताल की व्यवस्थाओं को जायजा लेनी, जैका बाद उन अधिकारियों से जानकारी भी लेनी। बाद में हरक सिंह रावतन पौड़ी DM CMO सहित मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य सहित MS बेस अस्पताल दगड़ी संयुक्त बैठक भी करी। पौड़ी स्वास्थ्य विभाग शहर में संचालित कोविड केयर सेंटरों में पहाड़ी भोजन मुहैया कराने च कोरोना पॉजिटिव मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने दिशा में यू कदम उठाएगी। स्वास्थ्य विभाग का अधिकारियों ने बताया कि पौड़ी DM का निर्देशों का बाद ही फैसला लिएगी, जैके तहत मरीजों थे दिन में 3 टाइम पहाड़ी भोजन उपलब्ध कराए जाने च। उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का बाद सल्ट विधानसभा सीट पर पहली बार उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करी। यकबटी महेश जीना जीत गिन, महेश जीना 4,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करी, उन्हें 20,000 से ज्यादा वोट मिले। उन कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ठहरे, वकी अन्य प्रत्याशी 1,000 वोट का आंकड़ा तक भी नहीं पहुंच सकिन। देश की प्रमुख कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन की सभी संभावना समाप्त हुएगी, लगातार दूसरा साल भी यात्रा आयोजित नहीं करे जाली। यहाँ का दगड़ा ही चनवली आदि कैलाश यात्रा थे भी आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम निरस्त करेली, कोरोना का कारण भी फैसला लिएगी। NTCN सभी नेशनल पार्कों थे पर्यटन गतिविधियों थे बंद करना निर्देश दिया छन, जैका बाद रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व थे भी 15 मई तक बंद करेगी। स्थिति का आकलन का बाद ही पार्क थे खुन पर विचार किए जालो। पर्यटकों की बुकिंग रद्द होने पर पार्क प्रशासन जमा धनराशि थे वापिस भी कर लो। आंधी तूफान का कारण टिहरी झील में खड़ी 6 बोट क्षतिग्रस्त हुई गिन, या मधुई बोट्स का इंजन टूट गिन, जबकि कई की बॉडी थे भी नुकसान पहुंची। इन घटना का बाद सभी बोट संचालकों शासन प्रशासन से सुरक्षा और मुआवजा के गुहार लगाए।